हेलो एवरीवन, वेलकम टू दधीच क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास थर्ड के हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जो है मेरा हिंदुस्तान। विशेष: भारत देश हमारा प्यारा एवं जग से न्यारा देश है। संसार के सभी देशवासी हमारे देश की संपन्नता एवं सुंदरता की कहानियाँ सुनकर भारत भ्रमण के लिए आज भी आते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। इस कविता में कवि ने अपने देश हिंदुस्तान की महिमा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हमारा देश सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है। यहाँ गंगा, यमुना और कावेरी जैसी पावन नदियाँ बहती हैं, जो हमारे देश की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। हमारे देश में भगत सिंह और आजाद जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने हमारे देश की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया है। तो आइए अब हम इनकी पंक्तियों से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे न्यारा देश, महान रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। उत्तर में गिरिराज हिमालय है शोभा की खान, दक्षिण में सागर करता है नित इसका गुणगान। इस प्यारी धरती पर अर्पित मेरे तन मन प्राण, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा देश सबसे प्यारा है और सभी देशों में सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। यहाँ पर कवि ने रंग बिरंगा हमारे देश की प्रकृति के लिए कहा है, क्योंकि हमारी प्रकृति में बहुत से रंग हैं, जैसे पेड़ पौधों का रंग हरा है, बादलों और नदियों का रंग नीला है और फूलों का रंग लाल पीला आदि है। उत्तर में गिरिराज हिमालय है शोभा की खान, और हमारे उत्तर दिशा में गिरिराज हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है, जो शोभा की खान है, मतलब सुंदरता का भंडार है। शोभा का मतलब सुंदरता और खान का मतलब भंडार। दक्षिण में सागर करता है नित इसका गुणगान, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, जो हमारे देश की सुंदरता का रोज गुणगान करता है। इस प्यारी धरती पर अर्पित मेरे तन मन प्राण, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। और ये जो धरती है ये बहुत प्यारी है, और मेरे तन मन और प्राण इस धरती पर न्यौछावर हैं, और हमारा हिंदुस्तान रंग बिरंगा और सबसे प्यारा है। नद निर्झर उपवन लहराते हरे खेत खलिहान, गांव गांव में मेले लगते छह ऋतुएं वरदान। जैसा सुंदर मेघालय है वैसा राजस्थान, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। गौतम शंकर, गांधी, नेहरू, नानक और कबीर, भगत सिंह आजाद सरीखे भारत माँ के वीर। गंगा यमुना कावेरी पर हमें गर्व अभिमान, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। नद निर्झर उपवन लहराते हरे खेत खलिहान। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमारे देश में नदी और झरने बहते हैं। नद निर्झर किसके लिए कहा गया है? नदी और झरने के लिए। उपवन लहराते हैं, उपवन का मतलब बाग लहराते हैं। हरे खेत खलिहान, और हमारे देश में हरे भरे खेत हैं और खलिहान हैं। खलिहान कौन सी जगह होती है? जहाँ पर खेत से फसल काट कर रखी जाती है। गांव गांव में मेले लगते छह ऋतुएं वरदान, और हमारे देश के गांव गांव में मेले लगते हैं, जहाँ बच्चे जाकर अपने लिए सामान खरीदते हैं। आपने भी देखा होगा ना मेला। छह ऋतुएं वरदान, और हमारे देश में छह ऋतुएं हैं, मतलब छह सीजन्स हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, वसंत, बरसात, पतझड़ आदि। जैसा सुंदर मेघालय है वैसा राजस्थान, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। और हमारे देश में जितना सुंदर मेघालय है और उतना ही सुंदर राजस्थान है। मेघालय और राजस्थान क्या है? हमारे देश के राज्य हैं। रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, और हमारा देश हिंदुस्तान रंग बिरंगा और सबसे प्यारा है। गौतम शंकर, गांधी, नेहरू, नानक और कबीर, भगत सिंह आजाद सरीखे भारत माँ के वीर। और हमारे देश में अनेक महान और वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, जिनमें से कुछ के नाम हमारे इन पंक्तियों में दिया गया है। गंगा यमुना कावेरी पर हमें गर्व अभिमान, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। और हमारे देश में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी, जिन पर हमें बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है, और हमारा हिंदुस्तान रंग बिरंगा और सबसे प्यारा है।
अब यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। अब आप इसको दोबारा से पढ़ना और दोबारा से रिवाइज करना। धन्यवाद।